गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8। में गीता उत्तराखंडी उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इन पहाड़ के हसीन वादियों में। गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8। तो गाइस, ये है हमारे संतरे का पेड़। सुबह सुबह अब मैं अपने बगीचे में आई हूँ। आज यहाँ पे कुछ मेहमान लोगों को हमने संतरे देने हैं, माल्टा देने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने पहले ही सुबह बोल दिया था कि आज उनको। गाइस, ये देखिए भाई, यहाँ पे माल्टा तोड़ा है और वहाँ पे कुछ दो लोग आए हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे का। तो गाइस, आज हमने मांस के चम्मच बनाई है और ये है मुझे मेरी चटनी। ये देखिए गाइस, गाइस ये देखिए, हमारे सड़क में एक ये हमारे दुकान के सामान की गाड़ी आई हुई है यहाँ पे, और इसमें दिखाते हैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या है आज। देखिए, इसमें एक साइड से लिखा है चाय और एक साइड से लिखा है केदार। इसमें चाय पत्ती दुकान का सामान आ रखा है हमारी गाड़ी में, हमारी दुकान का सामान आ रखा है। तो भाई दिखाते हैं, हम अपने यहाँ पे घर के आगे देखते हैं कि हमें एक जड़ी बूटी मिल गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये जड़ी बूटी हुई है हमारे वहाँ। देखिए, शायद आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा ये, अभी तोड़ रखा है मैंने, हमारे घर में हो रखा है ये। ये देखिए गाइस, अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये है वो जड़ी बूटी जो हमारे घर में हुई है, इसका पूरी बेल जैसी है ये। इसको अब हम एक तोड़ लेंगे यहाँ से। देखिए, दिखने में ही काफ़ी अलग है, आप देख सकते हैं ये। देखिए, ये है हमारे वहाँ की जड़ी बूटी। तो गाइस, अब हम आए हैं अपने खेत में, आए हैं यहाँ कौशाले के वहाँ पे आए हैं। तो हमने एक चीज़ देखी कि मम्मी ने यहाँ पे बनाया है भिषुण। ये भिषुण है, जंगली जानवर को, सुअरों को डराने के लिए भिषुण बनाया गया है। और ये भिषुण देखिए कैसा बना रखा है, भिषुण भिषुण देख बे हिषुण है, भिषुण देखो तो ये कैसा भिषुण बनाया था मम्मी ने। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है वो भिषुणों को देख के ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का खेत में। वो देखिए सामने, वहाँ देखिए, वो है हमारे सड़क है, यहाँ से हमारे घर के नीचे से सड़क है यहाँ तक। ये है हमारे घर के गेहूं के खेत। जीप में डाल के जीप कट जाएगी यहाँ से। पूरा हल्की सुन काट रही है यार, दान की से एक घास काट रहे हैं। देखिए तो गाय से मैं ले जा रही हूँ गाय के लिए यहाँ पे घास। ये देखिए, मैं गाय के लिए ले गई यहाँ पे घास ले जा रही हूँ। गौशाले में आ गई है, अब मैं इसको गौशाले में रख दूंगी। देखिए सुबह सुबह मेरे घर का कितना सुंदर व्यू आ रहा है, आप देखिए, काफी अच्छा भी लग रहा है, सुंदर लग रहा है। देखिए, ये मेरे घर का शानदार व्यू है। और यहाँ तो काफी ठंड भी हो रखी है, देखिए नीचे कितनी ओस गिर रखी है हमारे घर में। ये देखिए गाइस, चलने जैसा नहीं हो रखा है, पूरा गीला गीला हो रखा है, जगह जगह पे पानी हो रखा है, वो सभी तक यहाँ पे सूखी नहीं है, रास्ता बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो ये है मेरे घर का व्यू, वो सामने है हिमालय पर्वत। ये देखिए, बाजरे का पेड़ है, बाजरा हमारे वहाँ पहाड़ों में बहुत होता है ना बाजरा, देखिए। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको ही नए ब्लॉग में। तो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैंने बताया था अपने घर के बारे में, गोबर ले जाना, घास ले जाना, और आज मेरा ब्लॉग घर के बारे में ही था। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, तब फिर मिलते हैं आपको एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।